स्वागत है स्टूडेंट, हम सभी का आज के इस लाइव लेक्चर में। और आज हम लोग पढ़ने वाले थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का फोर्थ लेक्चर। ठीक है, इससे पहले के तीन लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, आज का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, पहले क्या क्या पढ़े एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्लास में तो पढ़े थे कि हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी क्या होता है, एकदम जो छोटा छोटा सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में हम लोग शुरू में पढ़े थे। ठीक है, गर्म बॉडी क्या है, कोल्ड बॉडी क्या है, टेम्परेचर का जो ट्रांसफर होगा, हीट का मतलब ट्रांसफर होगा, हीट जो है फ्लो करेगा एनर्जी के फॉर्म में, वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। ठीक है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तो हीट का फ्लो होगा, ये सब हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े थे कि मरकरी थर्मोमीटर क्या होता है, प्लेटिनम वायर रेजिस्टेंस थर्मोमीटर पढ़े थे, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर भी पढ़े थे, सब हो गया था। उसके बाद हम लोग का चला था एक क्लास जो थर्मल एक्सपेंशन पे भी एक क्लास हुआ था। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन पे एक क्लास हुआ था, और थर्मल एक्सपेंशन पे जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग सारा टाइप का एक्सपेंशन कर लिए थे, लीनियर एक्सपेंशन, उसके बाद एरियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वो सब हो गया था। ठीक है, अल्फा बीटा गामा जो था कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन जो था उसका रिलेशन भी हम लोग डिराइव किए थे। ठीक है, तो ये सब हो चुका है, आज लेक्चर नंबर 4 है, और आज का क्लास में हम लोग का चलेगा कैलोरीमेट्री के बारे में। ठीक है, कैलोरीमेट्री में देखिए मतलब क्या होता है इसका, वो जानने के लिए पहले थोड़ा सा कुछ कुछ टर्म्स है जो पता होना चाहिए, अगर वो टर्म्स पता नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है कि आप कैलोरीमेट्री भी समझ पाइए, क्योंकि कैलोरीमेट्री पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारा फॉर्मूला रहेगा, तो वो जो फॉर्मूला है वो अगर समझना है। ठीक है, तो पहले तो तुमको पता होना चाहिए ना कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट क्या है, ये सब हम लोग पहले करेंगे, कैलोरीमेट्री समझेंगे। ऐसे जो बच्चा लोग पहले थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो उनको पता होगा, ये फेमिलियर होंगे, एक फॉर्मूला होता है यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। ठीक है, जो बच्चा लोग थोड़ा सा अटेंटिव रहे होंगे उनको पता होगा ये वाला फॉर्मूला, जिसमें क्यू हीट है, एम मास है, एस जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और डेल्टा टी यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे निकाले इस फॉर्मूला को, ये सब कुछ आज चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ बाल्टियां बनाए, बकेट है, कंटेनर है। अब इसमें मान लीजिए कि एक बकेट है, ये 1 नंबर बकेट और ये 2 नंबर है। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें आप समझना क्या चाहते हो पहले बता दीजिए। आपको मान लीजिए कि चाय पीना है, पानी उबालिए, दूध डालिए, चीनी डालिए, चाय बनेगा, आप चाय पीजिएगा। सिंपल सा आपको एक बात बताइए कि जब पानी आप उबालते हैं तो अगर एक आदमी के लिए चाय बना तो फटाफट पानी उबलता है, चाय बना के पी लेते हैं, 10 आदमी का चाय एक साथ बनाना है, ज्यादा पानी लीजिएगा, ज्यादा देर तक उबालना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात यह है कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है, ठीक है, जिसपे कितना हीट हमको देना है, कितना देर तक हीट देना है, ये सब डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप इतना बहुत बड़ा ड्राम है आपके पास, उसमें आप पानी गर्म करिए, उसमें जब पानी गर्म करिए तो आपको पता है कि हमको यहाँ पे हीट जो है बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, तभी जा करके वो पानी जो है गर्म होगा अच्छे से, है ना। तो ये चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए हम लोग पास दो दो कंटेनर है, दोनों एकदम सिमिलर कंटेनर है, एक ही आइडेंटिकल कंटेनर है, इसमें पानी है, इसमें पानी है और इसमें भी पानी है, इसका इस पानी का मास है एम और इस पानी का भी मास एम है। ठीक है, इसका जो गर्म करेंगे हम, इसको हीट देंगे, इसको हम हीट देंगे, बर्नर लगा दिए, इसको भी हीट दे रहे, बर्नर लगा दिए, सेम हीट दे रहे दोनों को। इसका टेम्परेचर हमको बढ़ाना है 20 डिग्री से, और ये वाला का टेम्परेचर हमको बढ़ाना है 40 डिग्री से। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, हीट जिस मात्रा में दे रहे हैं वो सेम है, हीट
जिस मात्रा में दे रहे हैं वो सेम है, पानी का जो मास है दोनों कंटेनर में वो भी सेम है, सेम कंटेनर है दोनों कंटेनर में, सेम मास हम लोग दिए हैं। टेम्परेचर लेकिन जो चेंज करना है ना, पहला वाला कंटेनर वन का टेम्परेचर को 20 डिग्री से बढ़ाना है, ठीक है, और जो कंटेनर टू है उसका मास जो है वो भी एम है लेकिन उसका टेम्परेचर को 40 डिग्री से बढ़ाना है। यहाँ पे ये चीज तो समझ में आ रहा है कि जो दूसरा वाला का टेम्परेचर है उसको 2 गुना बढ़ाना है। आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो हीट दीजिएगा ना सेकेंड वाला में वो डबल देना होगा पहला वाला के मुकाबले में, समझ गए? तो इससे ये चीज तो समझ में आ गया कि जितना हीट हम देंगे वो डिपेंड करेगा कि आप टेम्परेचर को आखिर कितना बढ़ाना चाहते हैं, आप टेम्परेचर को आखिर कितना बढ़ाना चाहते हैं, आप 20 डिग्री से बढ़ाना चाहते हैं, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, या फिर 50 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, जितना भी टेम्परेचर आप बढ़ाना चाहते हैं उस पर हीट जो है डिपेंड करेगा, मतलब जो भी हीट आप देंगे मतलब चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, पहला पार्ट तो हो गया, दूसरा देखिए। चलिए फिर से हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर से यहाँ पे हीट दे रहे हैं, दो कंटेनर है हीट दे रहे हैं, दोनों में पानी है, कंटेनर वन में भी पानी है, कंटेनर टू में भी पानी है, ठीक है। लेकिन एक चीज हम लोग यहाँ पे ये समझ गए कि इसका मास एम है लेकिन इसका मास 2m है, और टेम्परेचर को जो चेंज करना है इसका भी टेम्परेचर को 20 डिग्री बढ़ाना है और अब इसका भी टेम्परेचर को 20 डिग्री बढ़ाना है। मास लेकिन देखिए डबल है, पहला वाला का मास एम है और दूसरा वाला का मास 2m है, मास डबल किए हैं हम, टेम्परेचर को 20 डिग्री दोनों केस में बढ़ाना चाहते हैं, सेम हीट हम दे रहे हैं। अब हमको एक बात बताइए कि यहाँ पर जो हीट हम देंगे दोनों बराबर हीट लेगा क्या? मास दोनों का देखिए डबल हो गया है ना, एक में कम पानी है दूसरा में ज्यादा पानी है, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर सेम टेम्परेचर बढ़ाना है 20-20 डिग्री दोनों का बढ़ा देना हमको, तो दूसरा वाला में हमको ज्यादा हीट देना, डबल हीट देना पड़ेगा। तो इससे ये साबित हो रहा है कि जो भी हीट हम लोग देते हैं किसी भी बॉडी का या लिक्विड का टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, वो हीट उसका मास पे भी डिपेंड करेगा कि कितना मास है। अगर मान लीजिए आपके पास ज्यादा मास है, ज्यादा हीट दीजिएगा तब जाकर के टेम्परेचर जो बढ़ा है 20 डिग्री बढ़ेगा दूसरा वाला, समझ गए? ये भी एक चीज क्लियर हो गया कि जो हीट हम लोग देते हैं किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए उसमें हमको मास को भी कंसिडर करना पड़ता है। चलिए ये भी हो गया। अब थर्ड देखिए, थर्ड एक चीज और है, थर्ड देखिए कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग दोनों कंटेनर में पानी नहीं ले रहे, एक में पानी ले रहे हैं दूसरा में ऑयल ले रहे हैं, मास हम रख दिए दोनों का सेम, यहाँ तक कि टेम्परेचर जो बढ़ाना है वो भी रख दिए सेम। अब हम लोग देखेंगे कि क्या जो हीट हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे दोनों सेम देंगे क्या? हीट दे रहे हैं यहाँ पर अब हम लोग सोचेंगे कि दोनों में जो हीट हम लोग देंगे वो बराबर हीट देंगे क्या? टेम्परेचर अगर 20-20 डिग्री दोनों का बढ़ाना है लेकिन मास भी सेम है, टेम्परेचर जितना बढ़ाना वो भी सेम, लेकिन जो मटेरियल है सब्सटेंस है वो अलग है, एक में पानी है दूसरा में ऑयल है, यहाँ पर भी हमको हीट जो है अलग अलग देना होगा, ऑयल वाला में कम हीट लगेगा वाटर वाला में ज्यादा हीट, तब जाकर के दोनों का टेम्परेचर 20-20 डिग्री बढ़ जाएगा। इससे तीन चीज हम लोग को पता चला, पहला हम लोग को ये पता चला कि जो भी हीट हम लोग देते हैं आप कितना टेम्परेचर में चेंज कराना चाहते हैं उस पे, दूसरा आपके पास कितना क्वांटिटी में है वो लिक्विड या सब्सटेंस, तीसरा कि आपका जो नेचर है सब्सटेंस का वो कैसा, पानी है तेल है एल्युमिनियम है कॉपर, कौन सा सब्सटेंस आप लिए है उस पे भी निर्भर करेगा कि आप कितना हीट जो है देंगे टेम्परेचर को बढ़ाने के। तो इससे ये साबित हो गया कि जो भी हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी है, पहला इक्वेशन से हम लोग पता चला कि जो भी हीट एनर्जी देंगे वो चेंज इन टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल होगा, अगर बहुत ज्यादा चेंज करना है टेम्परेचर में तो ज्यादा हीट हम लोग को देना पड़ेगा। दूसरा में ये समझे कि हीट जो हम लोग देंगे वो
आपका मास का भी प्रोपोर्शनल होगा। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके पास लिक्विड है उसको गर्म करना है तो जाहिर सी बात है ज्यादा हीट हमको देना पड़ेगा। और तीसरा में हम लोग ये समझे कि जो भी हीट हम लोग देंगे वो प्रोपोर्शनल होगा नेचर ऑफ द सब्सटेंस के, मतलब एस, एस से डिनोट करते हैं उसको, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वो आगे हम समझाएंगे, बस अभी इतना समझिए एस का मतलब नेचर ऑफ सब्सटेंस है। तो ये तीनों को मिला करके यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो इसी से ये फॉर्मूला जो आया है हीट बराबर एम एस डेल्टा टी, जहां पर एम क्या है मास है, एस क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और डेल्टा टी क्या है चेंज इन टेम्परेचर। मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए कि एक बर्फ में एक गिलास पानी है, एकदम आसान भाषा में समझिए कि आपके पास एक गिलास पानी है। अब इसका टेम्परेचर आप बढ़ाना चाहते हैं 40 डिग्री सेल्सियस से, और इसका जो मास है 100 ग्राम पानी है आपके पास, और एस जो होता है ना पानी के लिए, मानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू जो पानी के लिए होता है वो होता है आपका 4186 यूनिट भी लिख दे रहे हैं जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये सब बाद में समझाएंगे यूनिट कैसे आया क्या है, बस अभी इतना समझिए कि एस का मतलब होता है, एस का मतलब क्या होता है, तो जो सब्सटेंस का मटेरियल है, जो सब्सटेंस का नेचर है, लिक्विड का जो नेचर है उस पर डिपेंड करेगा कि कितना हीट आप दे रहे हैं उसके अनुसार। जैसे ऑयल और वाटर लिए थे तो आपको वाटर में ज्यादा हीट देना पड़ा, ऑयल में कम हीट देना पड़ा, तो इससे एक फॉर्मूला आ जाता है क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। चलिए अभी इसको हम लोग समझ गए कि एक फॉर्मूला जो आता है कैसे आता है। अब ये समझिए कि द क्वांटिटी ऑफ हीट, माने जितना अमाउंट में हीट दिए है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वार्म ए गिवन सब्सटेंस, माने कि किसी सब्सटेंस को गर्म करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो हीट आप दीजिएगा कितना अमाउंट में दीजिएगा वो डिपेंड किस पे करेगा, तो मास पे, चेंज इन टेम्परेचर पे, और नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे, ठीक है, ये तीन चीज पे डिपेंड करेगा। ये अभी हम आपको एक्सप्लेन कर दिए बढ़िया से एग्जाम्पल देकर के किस तरह से कैसे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर एक टर्म डिफाइन किया जाता है हीट कैपेसिटी, क्या डिफाइन किया जाता है हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब समझते हैं क्षमता, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है क्षमता, हीट का मतलब समझ रहे हैं आप एनर्जी है। तो द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस, माने कि किसी भी सब्सटेंस का अगर टेम्परेचर को चेंज करना है, ठीक है, कैसे चेंज करना है, व्हेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड बाय हीट। देखिए अगर मान लीजिए कि बर्फ, बर्फ ठंडा चीज है, उसको अगर आप गर्म करना चाहेंगे तो उसमें से हीट क्या होगा, रिजेक्ट होगा, निकलेगा हीट, तब ना वो खुद जाकर के अगर बर्फ है, बर्फ को अगर आप मतलब गर्म करना चाहते हैं तो उसको क्या कीजिएगा, हीट एनर्जी देना है, मतलब वो हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। उसी तरह से मान लीजिए कि स्टीम है, स्टीम है, तो स्टीम जो है ठंडा होगा, कैसे ठंडा होगा, तो स्टीम अपना हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा, रिजेक्ट करेगा। तो कोई भी सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब भी करता है और रिजेक्ट भी करता है, अगर हीट ले लिया है तो वो क्या होगा, गर्म होना चाहिए, लेकिन अगर हीट को रिजेक्ट कर दिया है तो वो क्या होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, ठीक है, इससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा। तो द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड बाय इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्वांटिटी कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। माने कि हीट कैपेसिटी अगर आपसे कोई पूछे तो आपको क्या लिखना है, क्या बताना है, ये क्लास 11th में आपको डेफिनेशन अगर लिखने आ जाए डिफाइन हीट कैपेसिटी, तो यही एकदम सेम टू सेम लिख कर गए फुल मार्क्स मिलेगा। तो आपको अगर कोई पूछ दे ऐसे जनरली कि हीट कैपेसिटी को डिफाइन करिए कि हीट कैपेसिटी आखिर क्या है, तो आपको बोलना है कि कोई भी बॉडी हीट को या तो एब्जॉर्ब करता है या फिर रिजेक्ट करता है, ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन नहीं करना बट हम आपको बता दे रहे हैं कि कोई भी बॉडी जो है हीट को या तो एब्जॉर्ब करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। जैसे कि आइस है तो वो गर्म होना चाहेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, स्टीम है ठंडा होना चाहेगा, हीट को रिजेक्ट करेगा, तो इससे क्या होता है कि उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है, उस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसको कंसिडर करने के लिए, इसको समझने के लिए एक क्वांटिटी को डिफाइन किया गया, इसको समझने के लिए क्या डिफाइन किया गया, एक क्वांटिटी को डिफाइन किया गया जिसको हम लोग नाम दिए हीट कैपेसिटी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप समझ रहे हैं कि जो बोर्ड है ब्लैक बोर्ड है, ये क्या है, ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक एक तरह का कलर है, अगर हमको कहीं भी ऐसा चीज दिखेगा तो हम बोलेंगे ये कलर जो है ब्लैक है।
मतलब कि किसी एक कलर को समझने के लिए हम उसको नाम दे दिए ब्लैक, है ना। तो उसी तरह से कि किसी भी सब्सटेंस का क्षमता होता है कि वो अपना हीट को रिलीज भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है और दूसरे से हीट एब्जॉर्ब भी कर सकता है, जिससे कि उसका तापमान या टेम्परेचर में परिवर्तन बदलाव आ जाता है। इसको समझने के लिए क्वांटिटी को डिफाइन किया गया, जिसको बोला गया हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी जब आप डिफाइन कर दिए तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए डिनोट तो करेंगे कैपिटल एस, डिनोट किससे करेंगे कैपिटल एस से, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। फॉर्मूला याद रखिएगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा क्यू का मतलब समझिए, डेल्टा क्यू का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम सब्सटेंस, ठीक है, जिससे कि उसका टेम्परेचर टी से बढ़ के डेल्टा टी हो गया। अब इसको हम अच्छे से समझाते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि स्टीम है, तो स्टीम क्या करेगा भाई, स्टीम का तापमान मान लीजिए कि 120 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो अगर स्टीम का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस है तो वो चाहता है ठंडा होना, तो 120 से घट करके उसका तापमान मान लीजिए कि आ गया है 90 पे, ठीक है, 100 पे। 120 से कितना घट के हो गया 100 हो गया, तो उसका जो चेंज हुआ है टेम्परेचर का वो 20 है, जिसके लिए वो क्या किया होगा, हीट को लिया होगा या हीट को निकाल के फेंक दिया होगा, तो वो क्या किया होगा हीट को रिजेक्ट कर दिया होगा, निकाल दिया होगा, समझ गए। तो डेल्टा क्यू क्या हो गया, डेल्टा क्यू जो है वो हो गया आपका कि कितना हीट रिजेक्ट कर दिया, और डेल्टा टी क्या हो गया कितना उसका टेम्परेचर में चेंज आ गया, समझ गए। उसी तरह से मान लीजिए कि आइस है, ठीक है, तो आइस जो है वो क्या होना चाहता है, वो चाहता है कि हम गर्म हो जाए, ठीक है। तो आइस जो गर्म होगा तो वो बाहर से सराउंडिंग से क्या करेगा, हीट को ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो मान लीजिए कि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ करके हो गया है 10 डिग्री, तो उसका चेंज इन टेम्परेचर आप समझ गए कि जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर में वो क्या है, डेल्टा टी है, और जो हीट ले रहा है या दे रहा है वो क्या है, तो डेल्टा क्यू है। तो जब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी का रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम लोग डिफाइन कर दिए कि भाई ये आपका हीट कैपेसिटी होगा, जहां पर भी आपको ऐसा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी निकालना है, मतलब कि आपको वहां पे हीट कैपेसिटी निकाल के बताना है, समझ गए। चलिए हो गया ये। तो अगर कोई पूछे कि ये हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा जी, तो देखिए बहुत आसान है, यूनिट आप ऐसे याद रखिए कि डेल्टा क्यू का मतलब क्या है हीट एनर्जी, डेल्टा टी का मतलब क्या टेम्परेचर, तो हीट एनर्जी का क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा, जो भी एनर्जी उसका जूल हो जाएगा, टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हीट कैपेसिटी का एसआई यूनिट बताइए, तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा, उससे आपका एसआई यूनिट भी आ जाएगा, जूल पर केल्विन, डेल्टा क्यू का मतलब हो गया एनर्जी, हीट एनर्जी जूल, और डेल्टा टी का मतलब हो गया केल्विन, तो जूल पर केल्विन इसका एसआई यूनिट आ जाएगा। तो ये अलग से आपको याद रखने की जरूरत नहीं, खाली फॉर्मूला याद रखने से हो जाएगा। हाँ ठीक है, डेफिनेशन फॉर्मूला ये आपको याद रखना है हीट कैपेसिटी का। अब नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या। देखिए हीट कैपेसिटी आप समझ गए, अब स्पेसिफिक लग गया उसके आगे, क्या लग गया स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब होता है कि एक एक जो आपको मतलब कि किसी चीज पर फोकस किए, स्पेसिफिक चीज ही देख रहे हैं, मतलब आपके अनुसार ही है वो, वही जो आप देख रहे हैं बस उसी को कंसीडर कर रहे हैं, इसको हम लोग ऐसे स्पेसिफिक को समझ सकते हैं, स्पेसिफिक जो वर्ड है उसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग, देखिए फिर समझते हैं कि ये क्या है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, माने कि जो भी अमाउंट ऑफ हीट है पर यूनिट मास एब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड बाय द सब्सटेंस चेंज इट्स टेम्परेचर बाय वन यूनिट। अब हम इसको कैसे समझा रहे, देखिए आप अभी एक फॉर्मूला हम शुरू में आपको बताए क्यू इक्वल टू, फॉर्मूला एकदम शुरू में बताए कि क्यू इक्वल टू होता है एम एस डेल्टा टी, जहां पर क्यू का मतलब था हीट एनर्जी, एम का मतलब था मास, और डेल्टा टी का मतलब था चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, और S का मतलब था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, अगर मान लीजिए कि आपका मास 1 यूनिट है, मास कितना है 1 यूनिट, ठीक है, और आपका डेल्टा T जो है वो भी 1 यूनिट है, मतलब कि मास भी 1 यूनिट और डेल्टा T जो है वो भी 1 यूनिट, ठीक है। तो अगर मास आपका 1 है और डेल्टा टी आपका 1 है,
तो क्यू इक्वल टू एस होना चाहिए। यहां पर देखिए यूज हुआ है यूनिट मास टेम्परेचर बाय 1 यूनिट, मतलब कि जब आपका मास 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट में यूनिट क्या हो सकता है, 1 केजी हो सकता है, 1 ग्राम भी हो सकता है, ठीक है, उसके अनुसार हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग एसआई में बात करते हैं। 1 यूनिट का मतलब आप 1 केजी ले सकते हैं, और डेल्टा टी 1 मतलब कि आप 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन ऐसे। तो अगर मान लीजिए कि आपका मास 1 यूनिट है या फिर और चेंज इन टेम्परेचर आपका 1 यूनिट है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो क्या है, तो हीट के बराबर है। समझ गए? तो देखिए इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, माने कि वो हीट जो आपको एक यूनिट मास एब्जॉर्ब या रिजेक्ट करता है जबकि आपका टेम्परेचर 1 यूनिट से चेंज होता है। मतलब कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हीट एनर्जी है, वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कोई 1 यूनिट ऑफ मास या तो एब्जॉर्ब किया है या फिर रिजेक्ट किया है जब उसका तापमान 1 यूनिट से चेंज कराया गया है, ठीक है, समझ गए? तो ये एक्चुअल में ये इसका डेफिनेशन है, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि S बराबर स्मॉल S से दिखाते हैं, बहुत सारा बुक में C से भी दिखाता है, लेकिन हम लोग S स्मॉल S से दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर स्मॉल S का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो क्या होता है, तो हीट कैपेसिटी बाय मास, क्योंकि पर यूनिट मास लेना है, तो जो हीट कैपेसिटी है वो क्या था, वो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी था, वो पर यूनिट मास के लिए नहीं था। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी था वो पर यूनिट मास के लिए तो था नहीं, तो उसको पर यूनिट मास के लिए करने के लिए हम लोग उसको एम से मास से डिवाइड कर दिए। हेलो, देखिए यहाँ पर आप समझिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, समझ गए डेफिनेशन, आप समझ गए। एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ते हैं ना, तो दोनों सेम चीज नहीं होते हैं, दोनों जो है अलग अलग चीज, आपका हीट कैपेसिटी अलग चीज है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग चीज है। हीट कैपेसिटी मतलब खाली डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, लेकिन जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेगा तो उसी को मास से डिवाइड कर। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, तो इस हीट कैपेसिटी को हम लोग जो है यहाँ पर एस क्या है, कैपिटल एस क्या है, हीट कैपेसिटी है ना, तो इसको हम लोग किससे डिवाइड कर दिए, मास से। देखिए यहाँ पर मास से हम लोग डिवाइड कर दिए, समझ रहे? तो मास जब डिवाइड कर दिए तो ये आ गया हमारा, है ना। तो इससे आप देखिए कि डेल्टा क्यू बराबर क्या आएगा, डेल्टा क्यू बराबर एम उधर चला जाएगा, एस पहले से उधर है, डेल्टा टी उधर चला जाएगा, मतलब क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी वाला फॉर्मूला जो है इससे भी आ रहा है, और ये हम पहले भी आपको बता दिए कैसे आता है, समझ गए? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी पर्टिकुलर यूनिट मास के लिए लिया जाएगा, और हीट कैपेसिटी जनरली एक कॉन्सेप्ट है जिसको यूज किए हैं, क्यों यूज किए हैं वो भी हम आपको समझा दिए। अब बात आता है कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द सब्सटेंस, जो हम आपको शुरू में ही बताएं ऑयल और वाटर वाला एग्जांपल लेके, साथ ही साथ ये टेम्परेचर क्या है सब्सटेंस का उस पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई बोलेगा क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा क्या, तो हाँ करेगा, ऐसा नहीं बोलना कि टेम्परेचर के साथ वो कॉन्स्टेंट रहता, नहीं, टेम्परेचर बदलने में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बदल जाता है, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, जूल पर केजी पर केल्विन। ये कैसे आया, देखिए स्मॉल एस ऊपर कर दे रहे हैं, स्मॉल एस इज इक्वल टू क्या था, 1 बाय m डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। देखिए यहाँ डेल्टा क्यू का यूनिट क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी है ना, जूल हो जाएगा, मास का क्या हो जाएगा, केजी, और डेल्टा टी का क्या हो जाएगा, केल्विन। ये जूल पर केजी पर केल्विन जो है एसआई यूनिट आपका हो जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, समझ गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ये अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। अभी मोलर का क्या मतलब है, कुछ अलग नहीं है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आप डिवाइड कर रहे थे मास से, मोलर हीट कैपेसिटी में आपका मास के टर्म्स में नहीं दिया रहेगा,
मोल्स के टर्म्स में दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, इफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ मोल्स, तो वही हीट कैपेसिटी को नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे, बाकी बाकी सब सेम है। यूनिट थोड़ा सा बदल जाएगा, जहाँ पे जूल पर केजी पर केल्विन था वहां पे हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। बाकी बाद बाकी कॉन्सेप्ट जो है तब वही है, बस मास के जगह पर हम लोग मोल्स यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि वाटर के पास सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू होता है अगर दूसरे सब्सटेंस से हम लोग कंपेयर करें, ठीक है। अगर हम लोग दूसरा दूसरा सब्सटेंस से अगर कंपेयर करते हैं तो वाटर के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। इसका रीजन क्या है भाई, क्यों ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा वाटर के पास होता है? देखिए वाटर जो है बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है, ठीक है, उसको गर्म होने में बहुत टाइम लगता है। मतलब कि अगर मान लीजिए आप हीट एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, और दूसरे किसी सब्सटेंस से कंपेयर करते हैं तो वाटर जो है बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन गर्म होने के बाद ठंडा भी वो बहुत लेट से, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम आपको दे कि आप जो है एकदम मस्त यहाँ पर जो है आप रिवर के किनारे गए हुए हैं, मान लीजिए कि आप जो है मस्त इधर आपका ओशन है या लेक है या सी है और आप इधर डेजर्ट है, सैंड है, उधर ओशन है, पानी है, ठीक है। देखिए दिन का जब टाइम रहता है तो सूरज बहुत तेजी से चमकता है, सैंड जो है बहुत ज्यादा हॉट, लेकिन पानी जो है उतना ज्यादा हॉट नहीं रहता है, वो सैंड के कंपैरिजन में ठंडा ही रहता है, ठीक है, सैंड के कंपैरिजन में ठंडा रहता है। इसीलिए देखिए कि इधर से जो ठंडा ठंडा हवा हम लोग को दिन में मिलता है, लेकिन रात के टाइम में क्या होता है कि जो सैंड है वो तो जल्दी ठंडा हो गया, लेकिन वाटर जो है जल्दी ठंडा नहीं होता है, वो धीरे धीरे अपना हीट को लूज करता है, समझ गए। तो एक्चुअल में जैसे सैंड क्या है, सैंड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है, वो जल्दी गर्म हो जाएगा, वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन वाटर में ऐसा नहीं है। वाटर जो है लेट से गर्म भी होगा और लेट से ठंडा भी होगा, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर आप देखिएगा तो 4186 है जूल पर केजी पर केल्विन, ऐसा यूनिट है, तो इतना होता है एसआई यूनिट में इसका वैल्यू। अगर आप वाटर का मान लीजिए कि एसआई में नहीं सीजीएस में लेते हैं तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये भी आपको याद रखना है, ये सीजीएस में है। देखिए जूल का कैलोरी हो गया, केजी का ग्राम हो गया, केल्विन का डिग्री सेल्सियस, इसमें भी आप यूनिट को याद रख सकते हैं, 1 इसका वैल्यू जो बहुत ही ज्यादा है। इसमें अगर आप देखिए तो अंदाजा लगेगा 4186 है दूसरे सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे अधिक है, ठीक है। इसीलिए वाटर को हम लोग कूलेंट की तरह यूज करते हैं रेडिएटर में, क्यों, क्योंकि जल्दी गर्म ही नहीं होगा, है ना, जल्दी गर्म ही नहीं होगा, ये कूलेंट की तरह से काम करेगा, और अगर गर्म है तो जल्दी ठंडा नहीं होगा, इसीलिए इसको हीटर में वाटर बैग्स में भी यूज कर सकते हैं, दोनों जगह पे इसका काम चल जाएगा, समझ गए। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो हम आपको समझा दिए। नेक्स्ट देखिए कैलोरीमेट्री के बारे में समझते हैं, कैलोरीमेट्री क्या है। देखिए कैलोरीमेट्री जो है ना वो बेसिकली आपका मेजरमेंट ऑफ हीट कराता है, कैलोरीमेट्री मींस मेजरमेंट ऑफ हीट, यानी कि अगर मान लीजिए कि हीट का मेजरमेंट का काम कहीं चल रहा है तो वो एक्चुअल में कैलोरीमेट्री से रिलेटेड एक ब्रांच है। फिजिक्स में जब कैलोरीमेट्री का नाम आता है, कैलोरीमेट्री का बात होता है, तो बेसिकली वहां पर काम चलता है कि हीट का मेजरमेंट करना, किसी बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल के बताना, टेम्परेचर बताना, ये सब काम जो है एक ब्रांच बांट दिया गया है कि ये भाई ये लो तुम कैलोरीमेट्री लो, इसमें यही सब तुम करते रहना। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, मतलब कैलोरीमेट्री का नियम क्या है। देखिए जैसे पहले ही हमको पढ़ाए थे कि अगर एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, और अगर हॉट और कोल्ड बॉडी को कॉन्टेक्ट में ला दिया जाए, टच करा दिया जाए, तो ये गर्म है, ये चाहता है अपना हीट इसको दे दे, ये ठंडा है, ये चाहता है कि हम उससे हीट ले। यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस होने के चलते हीट का फ्लो होना चालू, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस होने के चलते हीट का फ्लो होना चालू हो जाता है। अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड का मतलब हो गया कि सराउंडिंग से उसका कोई लेना देना नहीं है,
जैसे कि मान लीजिए आप एक थर्मस लेते हैं, थर्मो फ्लास्क लेते हैं, तो उसमें अगर पानी रखते हैं तो गर्म ही रहता है, या ठंडा रखते हैं तो ठंडे रहता है। इसमें होता क्या है कि उसका जो कॉन्टेक्ट है सराउंडिंग से, वातावरण से, उसका कॉन्टेक्ट को काट दिया गया। कैसे? तो उसका एक एडियाबेटिक वॉल लगा दिया गया। ये एडियाबेटिक वॉल हम पिछला क्लास में आपको बताए थे कि क्या होता है, ठीक है। तो उसका जो थर्मो फ्लास्क है उसका कॉन्टेक्ट को सराउंडिंग से काट दिया गया, एक एडियाबेटिक वॉल उसके चारों तरफ में लगा दिया गया, जिसकी वजह से उसका हीट का जो फ्लो है वो सराउंडिंग में नहीं हो पाता, अपना हीट को सराउंडिंग में नहीं दे पाते, ठीक है। तो वो एक तरह से जो वाटर उसके अंदर आप रखे हैं वो इंसुलेटेड है बाहर का वातावरण से, उसका कोई संपर्क एक तरह से नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंसुलेटेड, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये बोलता है कि, इसको दूसरा नाम से भी जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिक्सचर्स, क्योंकि इसमें हम लोग लिक्विड्स को मिलाते हैं, ठीक है। ये क्या स्टेटमेंट देता है कि अगर कोई इंसुलेटेड सिस्टम है, अभी इंसुलेटेड सिस्टम क्या हम आपको बता, अगर कोई सिस्टम इंसुलेटेड है, ठीक है, तो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। ठीक तो है भाई, तो हम लोग शुरू दिन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो शुरू दिन ही बात किए थे कि जो हॉट बॉडी अपना हीट को देगा किसको, कोल्ड बॉडी, कोल्ड बॉडी से हीट ले लेगा। तो अगर मान लीजिए कि दो ही बॉडी, एक हॉट बॉडी एक कोल्ड बॉडी, और बाहर से उन लोगों का कोई लेना देना है नहीं कि उसका हीट बाहर भी जा सकता है या बाहर से हीट अंदर भी आ सकता है, ऐसा कोई झमेला ही नहीं है क्योंकि इंसुलेटेड सिस्टम हम मान लिए पहले। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका जब हॉट बॉडी से हीट जो है कोल्ड बॉडी में जाता है तो पूरा जो एनर्जी हॉट से निकला है वो कोल्ड में चला जाएगा, मतलब कि हीट एनर्जी लॉस कौन किया है, तो हॉट बॉडी लॉस किया है, और हीट एनर्जी गेन कौन किया है, तो कोल्ड बॉडी किया है। तो ये दोनों इक्वल होगा भाई, जितना गेन होगा उतना ही लॉस हुआ होगा ना। अगर कोल्ड बॉडी हीट एनर्जी को ले रहा है, गेन कर रहा है, तो जितना उधर से लॉस हुआ होगा हॉट बॉडी से उतना वो गेन करेगा, इसमें क्या अलग चीज है। तो समझ गए आप, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बहुत आसान चीज है, बस आपको ये जो है ध्यान में रखना है कि सिस्टम इंसुलेटेड होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत रहेगा। सिस्टम इंसुलेटेड नहीं रहेगा तो हीट जो है बाहर जा सकता है, बाहर से हीट अंदर आ सकता है, इसीलिए इंसुलेटेड सिस्टम का होना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कैलोरीमीटर में, कैलोरीमीटर में बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग कैलोरीमीटर समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी में कैलोरीमीटर दिया हुआ है, तो कैलोरीमीटर का डेफिनेशन भी लिखेंगे, और कैलोरीमीटर का डेफिनेशन के साथ साथ हम लोग ये भी लिखेंगे कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक है। देखिए कैलोरीमीटर क्या है, कैलोरीमीटर एक डिवाइस है इन विच हीट मेजरमेंट कैन बी मेड, इज कॉल्ड ए कैलोरीमीटर। देखिए अगर मान लीजिए कि आपको को कुछ खाना वाना खाना है, खाना खाने के लिए आपके पास प्लेट होना चाहिए, प्लेट रहेगा तभी तो खाना खाएंगे, उसमें हाथ में लेकर वैसे नहीं खाएंगे, तो उसी मतलब कैलोरीमीटर क्या है, तो कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हीट का मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। हम अभी थोड़ा देर पहले बताए कि कैलोरीमेट्री में जो है वो बेसिकली मेजरमेंट ऑफ हीट पढ़ा जाता है, कैलोरीमेट्री में मेजरमेंट ऑफ हीट पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अगर कैलोरीमेट्री में मेजरमेंट ऑफ हीट पढ़ा जा रहा है तो मेजरमेंट ऑफ हीट करने के लिए कोई डिवाइस चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, वही कैलोरीमीटर है, ठीक है। अगर आप हीट मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक डिवाइस बनाया गया साइंटिस्ट के द्वारा, जिसका नाम दिया गया कैलोरीमीटर। अब ये कैलोरीमीटर होता कैसा है, बनाया कैसे जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, समझिए। देखिए कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट्स ऑफ ए मेटेलिक वेसल, इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटेलिक वेसल, माने कि ये एक मेटेलिक वेसल से बना हुआ होता है। अब ये मेटेलिक वेसल भाई क्या है, समझिए। तो यहाँ देखिए डायग्राम में कि एक मेटल का वेसल है, स्टीरर होता है। स्टीरर माने कि जिससे चम्मच, जैसे मान लीजिए चीनी या खोलना है तो स्टीर करते हैं ना, तो उसी तरह से स्टीरर बोला जाता है। तो इट कंसिस्ट ए मेटेलिक वेसल एंड ए स्टीरर ऑफ सेम मटेरियल लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो वो जो स्टीरर बना रहेगा वो बेसिकली किस चीज का बना हुआ रहेगा, तो कॉपर का, नहीं तो
एल्युमिनियम का स्टिरर यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए ये स्टिकिंग स्टिक जो देख रहे हैं, ये इसका काम होता है घोलना, इस तरह से मिक्सचर को मिलाना। ठीक है, ये किस चीज का बना रहता है, तो कॉपर चाहे फिर एल्युमिनियम का बना रहता है। और इस वेसल को हम लोग एक वुडन जैकेट में रखते हैं। वुडन जैकेट माने कि ये बाहर बाहर जो देख रहे हैं ना, ये वुडन का बॉक्स है, इसके अंदर में इस वेसल को जो है रख दिया जाता है ताकि ये इंसुलेटेड रहे, बाहर से इसका संपर्क टूट जाए। विच कंटेन्स ए हीटिंग इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक ग्लास और उल, और इसके बीच में देखिए उल भर देते हैं या फिर ग्लास जो है बीच में, ताकि पूरा इंसुलेशन हमको मिले, इसका हीट जो है बाहर सराउंडिंग में ना जा पाए या सराउंडिंग से जो हीट है वो अंदर नहीं आ पाए, समझ गए, इसलिए इसका यूज यहाँ पे किया गया। अब आउटर जैकेट एक्ट्स एज ए हीट शील्ड एंड रिड्यूसेस द हीट लॉस फ्रॉम द इनर वेसल। अब इतना सारा चीज से पूरा पैक कर दिए हैं तो अंदर से बाहर जो है हीट जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, हो गया इंसुलेटेड, इसीलिए एक्टिंग एज ए शील्ड, शील्ड की तरह से, कवच की तरह से काम करेगा बाहर वाला जैकेट, और हीट लॉस को एकदम इनर वेसल से बाहर जाने ही नहीं देगा, रोक देगा। उसके बाद देयर इज एन ओपनिंग इन द आउटर जैकेट, और ये जो आउटर जैकेट है आप यहाँ देख रहे हैं ना, इसमें एक ओपनिंग होता है जिससे कि हम लोग थर्मोमीटर घुसा देते हैं यहाँ पे, व्हिच इज अ मर्करी थर्मोमीटर कैन बी इंसर्टेड इन द कैलोरीमीटर। ये थर्मोमीटर का काम क्या रहेगा, तो मर्करी थर्मोमीटर हम आपको पढ़ाए थे, मर्करी थर्मोमीटर में हम आपको बताए थे कि किस तरह से जो है मर्करी का एक्सपेंशन होता है और टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। तो मर्करी थर्मोमीटर उस होल से डाल दिया जाएगा ताकि हम उसका टेम्परेचर जो है टाइम टू टाइम मेजर कर पाए, तो मेजरमेंट ऑफ हीट हो रहा है यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ हीट हो ही रहा है। इस तरह से जो है कैलोरीमीटर का डेफिनेशन लिख लेना है और उसका कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, ये डायग्राम भी आप कॉपी में बना लीजिएगा, ये आसान डायग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं, तो मिटा देते हैं। ये डायग्राम जो है कॉपी में आप बनाइएगा और समझिए, अब समझने का प्रयास कीजिए किस तरह से वुडन बॉक्स है, इंसुलेटिंग मटेरियल क्या है, स्टीरर क्या है, थर्मोमीटर क्या है। इस पे एक सवाल हम आपको कराते हैं तो आपको एकदम बढ़िया समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो हो रहा है आखिर क्या हो रहा है। देखिए एक स्फीयर है एल्युमिनियम का, ठीक है, स्फीयर है किस चीज का, एल्युमिनियम का, यहाँ पे तो स्फीयर हम लोग बना लिए। अब इस एल्युमिनियम का जो स्फीयर है इसका मास भी बोल दिया भाई कितना है, तो मास है 0.047 kg, 0.047 kg placed for sufficient time in a vessel containing boiling water so that the sphere is at 100 degree celsius। मतलब देखिए एल्युमिनियम स्फीयर को अगर हम लोग, एल्युमिनियम स्फीयर है मास चाहे जो भी है, एल्युमिनियम स्फीयर को एक बॉइलिंग वाटर में डाल दीजिए। अब बॉइलिंग वाटर का तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस, बहुत देर तक अगर उस बॉइलिंग वाटर में एल्युमिनियम का बॉल स्फीयर डूबा हुआ रहेगा तो उसका भी तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब आप अगर मान लीजिए कि आप खोलता हुआ पानी में हाथ डुबा दीजिएगा तो आपका हाथ पूरा जल जाएगा ना, क्योंकि उसका जो तापमान है वही तापमान आपका हाथ का हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं होगा, हाथ जल जाएगा। तो उसी तरह से अगर एक स्फीयर है, किस चीज का स्फीयर है, तो एल्युमिनियम का, जिसका मास कितना है 0.047 kg, अगर उसको सफिशियंट टाइम के लिए किसी वेसल में हम लोग बॉइलिंग वाटर जिसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है उसमें डुबा के रख दिए तो क्या होगा, उसका भी तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब कि हमको एक तरह से जो स्फीयर है इसका टेम्परेचर हमको यहाँ पे पता चल गया है 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए इतना क्वेश्चन पढ़ गए हम लोग, इतना डाटा मिल गया यहाँ पे। नेक्स्ट, इट इज देन इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू 0.14 kg कॉपर कैलोरीमीटर। मतलब कि अब आया बात यहाँ पे कि एक कैलोरीमीटर है, जैसा डायग्राम हम आपको बताए थे उसी तरह से हमारे पास एक कैलोरीमीटर है। इस कैलोरीमीटर में क्या किए कि ये जो स्फीयर था एल्युमिनियम का इसको डुबा दिए, ठीक है, और बोल दिया है कि जो भाई आपको ये कैलोरीमीटर है ना उसका मास आपको दिया हुआ है, मास ऑफ कैलोरीमीटर दिया हुआ है 0.14 kg कॉपर कैलोरीमीटर है। अब इस कैलोरीमीटर में क्या है, तो कंटेनिंग 0.25 kg ऑफ वाटर, माने कि ये जो कैलोरीमीटर है ये पानी भी कंटेन किया हुआ है कुछ, कितना अमाउंट में, तो पानी का जो दिया हुआ है यहाँ पे मास ऑफ वाटर 0.25 kg और टेम्परेचर इसका दिया हुआ है 25 kg, ठीक है, और टेम्परेचर जो इसका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, और ये जो बॉल लेकर के आए थे इसका तापमान तो आपको पहले से पता था कि 100 डिग्री सेल्सियस होगा।
नेक्स्ट बोल रहा है कि दी टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस। अब यहाँ पर हमारा जो वाटर है उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। क्यों राइज हो जाएगा भाई, पहले ये समझिए राइज क्यों होगा। अब जैसे कैलोरीमीटर है उसमें पानी है 20 डिग्री सेल्सियस पे है, उसमें उसमें आप एक स्फीयर ला करके डुबा दिए जिसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस था, तो भाई 100 डिग्री सेल्सियस वाला ज्यादा गर्म है ना, 100 डिग्री सेल्सियस वाला ज्यादा गर्म है, 100 डिग्री सेल्सियस वाला ज्यादा गर्म है तो अपना हीट को क्या करेगा, पानी में रिलीज करेगा, रिजेक्ट करेगा, जो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि पानी ठंडा है। पानी 20 डिग्री से टेम्परेचर उसका बढ़ेगा और स्फीयर का टेम्परेचर 100 डिग्री से घटेगा। समझ गए, यहाँ पे बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेज, ये पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था जो बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते 23 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। तो आपको क्या बताना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम बताना, बनाइए। देखिए हम लोग यहां पर ये समझते हैं कि हीट लॉस कौन कर रहा है, हीट गेन कौन कर रहा है। पहले एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं हीट लॉस, जो जो करेगा उसका नाम लिख लेंगे, और दूसरा तरफ हम लोग लिख लेंगे कि हीट गेन कौन कौन कर रहा है उसका नाम लिख, ठीक है। हीट लॉस एक तरफ और हीट गेन एक तरफ। देखिए जो स्फेयर का बॉल था, स्फेयर जो था एल्यूमिनियम का, उसका तापमान ज्यादा था, मतलब कि एकदम गारंटी है कि हीट लॉस वही करेगा। यहाँ पर हीट लॉस जो करेगा वो स्फीयर करेगा, ठीक है। हीट गेन कौन करेगा, तो जो कैलोरीमीटर था उसमें पानी है, उसका तापमान था 20 जो बढ़ के 23 हो गया, मतलब हीट गेन वाटर करेगा। साथ ही साथ कैलोरीमीटर भी कुछ हीट को गेन करेगा क्योंकि वो थोड़ी चुपचाप रहेगा भाई, जो भी तो वाटर और कैलोरीमीटर एक ही है ना, कैलोरीमीटर में ही वाटर है ना। अब आपको मान लीजिए चाय बनाना है, कॉफी बनाना है, तो खाली पानी उसमें गर्म होगा कि बर्तन भी गर्म होगा, बर्तन भी गर्म होगा। तो उसी तरह से कैलोरीमीटर एक तरह का बर्तन मान लीजिए और उसमें पानी है 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो पानी के साथ साथ कैलोरीमीटर भी गर्म होगा। इसीलिए हीट गेन कौन कौन करेगा, वाटर और साथ में कैलोरीमीटर, ये दोनों जो है हीट गेन यहाँ पे करेगा। चलिए इतना हो गया। स्फीयर जो है उसके बारे में डाटा लिख लेते हैं। स्फीयर का मास कितना था, मास ऑफ स्फीयर या एल्यूमिनियम, मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना दिया हुआ है, 0.047 kg, ठीक है। चलिए ये हो गया। उसके बाद हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है, और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो रहा है, तो 100 - 23, ठीक है। शुरू में 100 था और 23 टेम्परेचर हो गया सबका एक साथ, धीरे धीरे सब क्या हो गया एक साथ, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। जैसे कि 20 था 23 हो गया, ये 100 था वो भी 23 हो गया, सब 23 हो जाएगा। यहाँ पे स्टेडी स्टेट बोला ना, 23 पे आ जाएगा, इसीलिए तो सबका टेम्परेचर 23 हो गया। इसीलिए एल्यूमिनियम का 100 से 23 हुआ चेंज इन टेम्परेचर, बनेगी 67, आप कह सकते हैं। चलिए अब देखिए वाटर का मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ था, तो मास ऑफ वाटर यहाँ दिया हुआ था 0.25 kg। चलिए ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमें भी आपको बताया, 4186 जूल पर kg पर केल्विन, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना, जब 20 था 23 हो गया, मैंने चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ 23 - 20, ये चेंज हुआ 3 डिग्री सेल्सियस का। कैलोरीमीटर के बारे में लिखिए, देखिए कैलोरीमीटर का मास कितना दिया हुआ है, मास ऑफ द कैलोरीमीटर कितना दिया हुआ है, मास ऑफ कैलोरीमीटर है 0.14 kg, है ना। चलिए ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर कितना दिया हुआ है, तो चूंकि यहाँ पे कॉपर है, क्या है, कॉपर है, तो कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप लिख सकते हैं 0.386, ये दिया हुआ नहीं है बट एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे दिया रहेगा, ठीक है। ये टेबल से, बुक में टेबल से आप देख सकते हैं, 0.386 × 10³ जूल पर केजी पर केल्विन, ये होता है कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। इसका भी टेम्परेचर चेंज कितना होगा, तो 20 था 23 हो गया, मानेगी 23 - 20, 3 डिग्री सेल्सियस। तो अभी जैसे हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में, तो उसमें क्या था कि जो हीट लॉस होगा वो हीट गेन के बराबर होगा, जो हीट लॉस होगा वो हीट गेन के बराबर होगा। तो हीट लॉस कौन किया, स्फीयर, हीट गेन कौन किया, वाटर प्लस कैलोरीमेट्री, है ना। तो देखिए हीट का फॉर्मूला लिखिए, हीट का फॉर्मूला था MS डेल्टा टी,
हीट एल्यूमिनियम का हो जाएगा एम एल्यूमिनियम, एस एल्यूमिनियम, डेल्टा टी एल्यूमिनियम, ठीक है, एम एस डेल्टा टी, तो एम एस डेल्टा टी, ठीक है। एम कितना है बाद में वैल्यू रखेंगे, बस क्यू ऑफ एल्यूमिनियम लिख लिए, क्यू ऑफ वाटर लिखिए, तो एम ऑफ वाटर, एस ऑफ वाटर और डेल्टा टी ऑफ वाटर। उसी तरह से क्यू ऑफ कैलोरीमीटर लिखिए, तो मास ऑफ कैलोरीमीटर, एस ऑफ कैलोरीमीटर, डेल्टा टी ऑफ कैलोरीमीटर, सब में हम लिख दिए एम एस डेल्टा टी फॉर्मूला, ठीक है, एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी, यही फॉर्मूला लगा दिए थे। ये वाला क्या हीट गेन है, ये क्या हीट लॉस है, ये क्या हीट लॉस है, तो हीट गेन बराबर हीट लॉस, कैलोरीमेट्री में क्या बोला हीट गेन बराबर हीट लॉस, तो यहाँ पे लिखिए फिर हीट गेन कौन किया है, एल्यूमिनियम इक्वल टू हीट लॉस वाटर, सॉरी हीट गेन कौन किया वाटर, और कैलोरीमीटर हीट लॉस कौन किया एल्यूमिनियम, यहाँ लिखे थे ना हीट लॉस हीट गेन, दोनों बराबर होगा। अब वैल्यू रख दीजिए क्यू ए, क्यू ए कितना है एम ए एस ए डेल्टा टी ए इक्वल टू क्यू डब्ल्यू, सेम फॉर्मूला सब में, क्यू डब्ल्यू कितना लिखिएगा, तो क्यू डब्ल्यू हो जाएगा एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू डेल्टा टी डब्ल्यू, क्यू कैलोरीमीटर कितना हो जाएगा एम कैलोरीमीटर एस कैलोरीमीटर डेल्टा टी कैलोरीमीटर। अब सारा वैल्यू रख दीजिए, पहले ही लिख दिए थे हम सारा वैल्यू जो है ना, तो मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है 0.047, ये एस ए निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर है 67 इक्वल टू मास ऑफ वाटर है 0.25 केजी, वाटर का होता है 4186 और इसका चेंज इन टेम्परेचर 3 प्लस मास ऑफ कैलोरीमीटर कितना है 0.14 केजी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर कितना लेंगे, कॉपर है ना, कॉपर का लिख देंगे 0.386 गुणे 10^3, पहले लिख दिए हम सारा और इसका भी चेंज इन टेम्परेचर 3। अब देखिए इसको कर लीजिए मल्टीप्लाई पूरा, है ना, ये पूरा मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं, तो ये पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर ऐड कर दीजिए, फिर एस ए चाहिए, एस ए बराबर ये दोनों नीचे चल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एस ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं 0.25 into this, ठीक है, ठीक है, divided by 0.047 divided by 67, ठीक है। तो देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एस ए बराबर कितना आ रहा है, एस ए बराबर आ जाएगा आपका 0.911 into 10^3 जूल पर केजी पर कैलोरी, ये फाइनल आंसर आएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग कैलोरीमेट्री का जो लॉ है उसका यूज कर लिए, एमएस डेल्टा टी का यूज कर लिए, और इससे हम लोग कैलोरीमेट्री भी समझ गए, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी समझ गए, किस तरह से कैलोरीमीटर यूज हो रहा है वो भी इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया। तो ये एग्जाम्पल जो है आपका एनसीईआरटी किताब से हम लिए थे, उसमें जाकर के आप देखिएगा आपको मिल जाएगा इस चैप्टर में, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी क्लास 11। नेक्स्ट चेंज ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब राज्य नहीं समझना है कि चेंज ऑफ स्टेट माने कि झारखंड में है तो बिहार में चले गए, बिहार में तो यूपी में चले, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है कि आपका सॉलिड अगर स्टेट में कोई है तो वो लिक्विड में चेंज हो गया, या लिक्विड स्टेट में कोई है तो वो गैस में चेंज हो गया, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। ये हम लोग अभी पढ़ेंगे इसमें कि हीट का किस तरह से उपयोग यहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब हो गया कि जाना एक ट्रांजिशन मतलब आप समझ रहे हैं ट्रांजिशन क्या होता है, ठीक है, ट्रांजिशन मतलब बदलाव कह सकते हैं आप, तो ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट, समझ गए। जैसे कि एक ग्लास है उसमें बर्फ रखा हुआ है, धीरे धीरे बर्फ पिघल के पानी हो जाएगा, तो बर्फ जब पिघल के पानी हो जाएगा तो इसका स्टेट सॉलिड से किसमें बदल गया, सॉलिड से आपका लिक्विड में चेंज हो गया, तो चेंज ऑफ स्टेट हुआ। ये जो ग्राफ है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ये हम आपको बताते हैं। जब आप इस ग्लास में बर्फ रखे तो इसमें बर्फ आप रखे थे शुरू में, पानी कुछ नहीं था, पूरा का पूरा बर्फ था इसमें, इस ग्लास में पूरा का पूरा क्या था, बर्फ था। तो जब इस ग्लास में पूरा का पूरा बर्फ रखे थे
धीरे धीरे ये पिघलना चालू हुआ, एक तो थर्मोमीटर भी यहाँ लगा दीजिए, थर्मोमीटर भी इसमें डाल दीजिए, ठीक है। और जब बर्फ आप रखे थे ना, जब वो पिघला ही नहीं था उस टाइम आप मेजर किए तो उस थर्मोमीटर का रीडिंग था 0 डिग्री सेल्सियस, मानी कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान में, 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान में वो जो है टेम्परेचर दिखा। धीरे धीरे जो बर्फ है वो पिघलने लगा, बर्फ धीरे धीरे क्या होने लगा, पिघलने लगा। तो बर्फ अगर धीरे धीरे पिघलने लगेगा मतलब कि वो हीट ले रहा है सराउंडिंग से, हीट ले रहा है सराउंडिंग से, हीट ले रहा है, बिना हीट लिए पिघलेगा कैसे? तो थर्मोमीटर का रीडिंग तो बढ़ना चाहिए, 0 डिग्री से बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब भी किसी स्टेट में चेंज हो, चाहे सॉलिड से लिक्विड हो या लिक्विड से गैस हो, जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो बदलता नहीं है, वो फिक्स रहता है, वो टेम्परेचर नहीं बदलता है, वो फिक्स रहता है। तो इस तरह से जब आप यहाँ पर आइस रखे हुए हैं, तो आइस रखे हुए होने से वो धीरे धीरे पिघलेगा, पिघल करके पानी बनेगा, पिघल करके जब वो पानी बनेगा ऐसा नहीं कि उसका तापमान बढ़ने लगेगा, जो भी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है ना वो उसके स्टेट को चेंज करने में यूटिलाइज हो रहा है, उसका तापमान बढ़ाने में नहीं हो रहा है। जब तक ये पूरा का पूरा आइस पिघल नहीं जाता है इसका तापमान नहीं, समझ गए? तो यहां पर आप ये समझिए कि जब भी स्टेट का चेंज होता है, चाहे सॉलिड से लिक्विड हो, लिक्विड से गैस हो, जब भी स्टेट का चेंज होता है आप उसके स्टेट में चेंज कराने के लिए जो भी हीट देते हैं या जो भी हीट वो एब्जॉर्ब करता है, तो उसमें हीट सप्लाइड इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, मतलब कि उसका स्टेट को बदलने के लिए यूटिलाइज हो रहा है वो हीट जो भी वहां पे दिया जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने में तो एकदम यूज नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ाने में यूज नहीं होगा, वो किसमें यूज होगा? तो वो यूज होता है उसके मॉलिकुलर सेपरेशन को बढ़ाने, ताकि वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए। टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरा का पूरा स्टेट चेंज ना हो जाए, पूरा का पूरा बर्फ जो है पानी ना बन जाए, समझ गए? तो इस तरह से इसका काम होता है। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ का मतलब समझिए, जैसे देखिए ये इस तरफ हम लोग रखे हैं टाइम को और इधर हम लोग रखे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस है, बर्फ है, हम लोग यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। यहाँ जाने के बाद देखिए कि टेम्परेचर में ऊपर ग्राफ बढ़ना चालू, मतलब कि इस जगह तक, इस समय तक पूरा का पूरा बर्फ जो है पिघल चुका है, और अगर अब भी हम लोग हीट कंटिन्यूअसली देंगे तो अब उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, क्योंकि पूरा का पूरा बर्फ जो है पानी बन चुका है, अब उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, टेम्परेचर में ग्राफ ऊपर जा रहा है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब वो पानी 100 डिग्री पे भी पहुंच जाएगा। पहले तो बर्फ था 0 डिग्री सेल्सियस पे, पूरा का पूरा बर्फ पिघल गया, जब तक बर्फ पिघल रहा था तब तक तापमान में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रहा था। जब पूरा का पूरा बर्फ पिघल के पानी बन गया, 0 डिग्री सेल्सियस पानी बन गया, तो अब उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, तो 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर आकर के रुक जाए, क्योंकि अब जो है वाटर का स्टेट चेंज होगा और स्टीम में जाएगा, तो अब यहाँ पर ग्राफ में टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टाइम बढ़ रहा है, टाइम अभी बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर फिक्स हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर फेज का चेंज हो रहा है, फेज का चेंज हो रहा है, फेज का चेंज हो रहा है, इसमें वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर भी फेज का चेंज हुआ था, यहाँ पर भी फेज का चेंज हुआ था, यहाँ पर आपका आइस से वाटर में जा रहा था। तो जब भी फेज का या स्टेट का चेंज होता है टेम्परेचर फिक्स रहता है, एकदम याद रखना ये जरूरी है, ठीक है? क्यों फिक्स रहता है वो हम आपको बता दें। तो चलिए अब आते हैं लेटेंट हीट पर, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। अब देखिए ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो है यहाँ पर कुछ हीट दे रहे थे लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा था भाई, तो जो हीट एनर्जी यहाँ पर था, जो हीट एनर्जी आप दे रहे थे, द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ट्रांसफर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ, मतलब कि जो हीट एनर्जी आप दिए स्टेट को चेंज करने के, कितना मास का, 1 यूनिट मास का, वही हीट एनर्जी लेटेंट हीट।
मतलब कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जहां पर एल क्या है तो लेटेंट, ठीक है, जिससे फॉर्मूला हो जाता है क्यू इक्वल टू एम एल। अगर मान लीजिए आप 1 यूनिट मास को, आप उसका स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, 1 यूनिट मास का स्टेट को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको जो हीट एनर्जी देना पड़ेगा वही तो लेटेंट हीट कहलाएगा, समझ गए। डेफिनेशन भी वही लिख देंगे कि अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, समझ गए। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू एम एल, और इसका एसआई यूनिट हो जाएगा जूल पर केजी, क्योंकि आप अगर एल यहाँ से लिखना चाहेंगे, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा क्यू बाई एम, और क्यू का यूनिट हो जाएगा जूल और एम का केजी, जूल पर केजी इसका एसआई यूनिट होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कन्वर्जन जो है, यहाँ ध्यान से देखिए, अगर कन्वर्जन आपको सॉलिड लिक्विड का चल रहा है, उसमें जो लेटेंट हीट होता है उसमें एक स्पेशल नाम दिया गया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, डिनोट करेंगे एल एफ से। और अगर कन्वर्जन जो है लिक्विड गैस फेज का चल रहा है, गैस फेज का चल रहा है, स्टेट का चल रहा है, तो उस टाइम पे जो लेटेंट हीट होता है उसको नाम दिया गया है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको एल वी से डिनोट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इतना आप समझ गए, कुछ मतलब कि एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप वाटर का बात करेंगे तो वाटर के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो होता है 3.3 × 10⁵ जूल पर केजी, और अगर आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बात करते हैं वाटर के लिए तो वो होता है 22.6 × 10⁵ जूल पर केजी। ये वैल्यू आप याद भी रख सकते हैं, तो क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तो वहां पे दिया रहेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि व्हेन 1.5 kg ऑफ आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विद, कितना से मिक्स किए हैं, 0.3 kg ऑफ वाटर एट 550 डिग्री सेल्सियस इन ए कंटेनर, रिजल्टिंग टेम्परेचर इज 6.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। देखिए सबसे पहले तो ये समझिए कि आइस है आपके पास, आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, मास है 0.15 kg। अब हम लोग क्या किए, इसको मिक्स कर दिए किससे, वाटर से, वाटर से मिक्स कर दिए, और उस वाटर का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस और उसका मास है 0.3 kg। तो जो रिजल्टिंग टेम्परेचर है दोनों जब मिल गया, मिक्स, तो इसका जो फाइनल टेम्परेचर है वो है 6.7 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों हुआ, देखिए आइस ठंडा है, वाटर गर्म है, वाटर से हीट लिया, इसका टेम्परेचर 0 से बढ़ के 6.7 हो गया, इसका टेम्परेचर 50 से घट के 6.7 हो गया। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बताइए, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बताइए। देखिए सबसे सिंपल भाषा में अगर आप समझेंगे तो ये जो 6.7 डिग्री सेल्सियस है इसमें तो कोई बर्फ रहेगा नहीं, ये तो पानी ही रहेगा ना, समझ में। तो आपका एक्चुअल में आइस जो था 0 डिग्री सेल्सियस पे, पहले ये बनेगा पानी, नहीं पहले ये जो है पानी में कन्वर्ट होगा, पिघलेगा। तो जब तक ये पिघलेगा इसका कौन सा फेज चेंज होगा, क्या चेंज होगा, फेज चेंज होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस जो था वो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बन जाएगा, उसके बाद इसका टेम्परेचर होगा 6.7 डिग्री सेल्सियस, समझ गए। आइस पहले पूरा पिघलेगा, फेज चेंज करेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, 0 था 0 रहेगा, 0 डिग्री आइस था 0 डिग्री वाटर था, ये रहेगा उस टाइम पे, इसका कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। उसके बाद इसका टेम्परेचर 0 से 6.7 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी वाटर है पहले से, ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ चला, मतलब डायरेक्टली 50 से 6.7 पे चला जाएगा, इसका कोई स्टेट को चेंज करना है नहीं। तो अभी हम बताएं कि जब आपका स्टेट चेंज होगा तो आपको फॉर्मूला यूज करना है एम एल, आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है एम एल, क्योंकि फेस चेंज हो रहा है, और जब आपका स्टेट चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर बढ़े, एम एस डेल्टा टी, यहाँ पर भी आपका एम एस डेल्टा टी, समझ रहे बात। देखिए यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बना है, फेज चेंज हुआ है, एम एल यूज हुआ, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 6.7 डिग्री सेल्सियस वाटर बना है, यहाँ पर क्या चेंज हुआ, टेम्परेचर, इसलिए एम एस डेल्टा। उसी तरह से 50 डिग्री सेल्सियस क्या है, डायरेक्टली 6.7 डिग्री सेल्सियस वाटर पे पहुंच जाएगा, तो ये एम एस डेल्टा टी।
हीट गेन कौन कर रहा है? आइस कर रहा है हीट गेन, और हीट लॉस कौन कर रहा है? हीट लॉस कर रहा है उधर 50 डिग्री वाला, है ना, उसके पास ज्यादा हीट था। कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हीट गेन जो भी होगा वो आपका हीट लॉस के बराबर होना चाहिए। हीट गेन जो किसके बराबर चाहिए होना चाहिए? हीट लॉस के बराबर। चलिए बढ़िया भाई, तो हीट गेन देखिए, हीट गेन कौन करेगा? आइस पहले तो अपना स्टेट चेंज करेगा, तो कितना हीट? ml आइस प्लस, फिर से अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा 0 से 6.7 तो ms डेल्टा t आइस, है ना, ये हो गया हीट गेन बाय द आइस। इक्वल टू हीट लॉस कौन कर रहा है बाबू? तो हीट लॉस जो कर रहा है वो वाटर 50 से डायरेक्ट 6.7 पे आ गया, तो ms डेल्टा t उसका लिखेंगे वाटर के लिए, समझ गए। तो देखिए यहां पर m जो है आइस का कितना दिया हुआ था, मास ऑफ आइस हमारा था 0.15, लेटेंट हीट अभी हम आपको बताएं लेटेंट हीट कितना था आइस के लिए, निकालना है हम लोगों को लेटेंट हीट क्या करना है, निकालना है फाइंड दी कैलकुलेट दी हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, तो l हम लोगों को निकालना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या निकालना है, ये हो गया। प्लस मास ऑफ आइस कितना होगा, 0.15 ही रहेगा ना, अभी मास तो ही रहेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना बताए थे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका यहाँ पर हो जाएगा 4186 होता वाटर के लिए, गुने डेल्टा टी, देखिए 0 से 6.7 गया ना, तो ये 6.7 हो गया चेंज इन टेम्परेचर। इक्वल टू मास, देखिए मास ऑफ वाटर जो 50 से 6.7 आया है उसका मास कितना है? उसका मास है 0.3 kg गुने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर ही है इसलिए 4186, टेम्परेचर चेंज 50 से 6.7 इसीलिए 50 माइनस 6.7, ठीक है इतना लिख दिए। चलिए अब सॉल्व करना है, तो 0.15 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, पूरा सॉल्व कर देते हैं। एलएफ का वैल्यू चाहिए, ठीक है एलएफ का वैल्यू चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको उस तरफ भेज के माइनस कर दीजिएगा और 0.15 से डिवाइड कर दीजिए, एलएफ जो आएगा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, एलएफ आ जाएगा 54376.14 -4206.93 डिवाइडेड बाय 0.15, यहां से माइनस करके डिवाइड कर देते हैं, 50169.21 डिवाइडेड बाय 0.1, ये लगभग आ जाएगा 334461, 1 2 3 4 5 यानी 3.3 × 10⁵ जूल पर के, यस आई विल आ गया। तो इस तरह से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हम लोग यहाँ पे निकाल, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो किस तरह से स्टेट का चेंज हो रहा, तो एम एल ले रहे हैं और जब हम लोग का टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एम एस डेल्टा टी लेना है, ठीक है। एक नेक्स्ट और एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जिसका हम आपको हिंट देंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप उसको घर में बनाइए। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 3 kg ऑफ आइस एट -12 डिग्री सेल्सियस, माना कि हम आपको हिंट कर दे रहे हैं, सॉल्व पूरा नहीं करेंगे, आप इसको घर में बनाइएगा और समझिएगा, ठीक है। तो हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 3 kg का आइस है, है ना, और इसका तापमान है -12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 12 डिग्री सेल्सियस, 3 kg आइस 12 डिग्री -12 डिग्री सेल्सियस, इसको उठा करके रख दिए कैलोरीमीटर में, ठीक है इसको उठा करके रख दिए हम लोग एक कैलोरीमीटर में, टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस एटमोस्फेरिक, ठीक है मतलब जब हम लोग इसको कैलोरीमीटर में रख दिया आइस को, तो इसको स्टीम करना है, मतलब कि इसको 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम बना देना है, मतलब कि जो आइस था आपका 3 kg का आइस था -12 डिग्री सेल्सियस पे, इसको स्टीम बना देना है, कितना पे 100 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट कर देना, पूरा प्रोसेस जो जाएगा बीच बीच में बहुत सारा स्टेप रहेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है,
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम सब वैल्यू दिया हुआ है, खाली आपको स्टेप लिख देना है और कितना हमको यहाँ पर मतलब कि हीट चाहिए होगा वो निकालना। देखिए स्टेप कैसे रहेगा, आइस जो है कितना डिग्री पे है, -12 डिग्री सेल्सियस पे है। तो ये पहले आपका क्या बनेगा, पहले आइस जो है वो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर ये जो है पिघलेगा यहाँ पे, और ये आइस 0 डिग्री सेल्सियस से बनेगा वाटर, बनेगा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है। फिर ये वाटर जो है ये जाकर के वाटर बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे भाई, फिर ये जाकर के स्टीम बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस, ये पूरा स्टेप ठीक है। यहाँ पर आपका एम एस डेल्टा टी यूज होगा क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ, यहाँ स्टेट चेंज हुआ एम एल यूज होगा, यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ एम एस डेल्टा टी यूज होगा, और यहाँ ये सारा वैल्यू निकाल करके आपको जोड़ देना, सारा वैल्यू निकाल करके ऐड कर दीजिएगा, आपका टोटल जो हीट है आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इसका आंसर हम लिख दे रहे, घर में बना के चेक कीजिएगा ठीक है। इसका आंसर होगा 9.053 × 10^6 जूल, ये इसका आंसर है। इसको सॉल्व करके देखिएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं। तो चलिए जल्दी फटाफट हम लोग देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या हम लोग आज हम लोग पढ़े। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़े है ना, और ये फॉर्मूला जो आता है एम एस डेल्टा टी ये कैसे आता है, उसके बाद हम लोग पढ़े हीट कैपेसिटी क्या होता है, उसका एसआई यूनिट क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, इस पर डिपेंड करेगा एसआई यूनिट क्या होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या है, डेफिनेशन क्या है, वाटर को कूलेंट की तरह क्यों यूज करते हैं ठीक है, कैलोरीमेट्री किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, कैलोरीमीटर क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, डायग्राम कॉपी बनाना था, उसके बाद एक क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग पढ़े चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट में क्या करते हैं, और ये जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग जिसपे क्वेश्चन बहुत सारा आता है वो हम कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे आपको, चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद ये। उसके बाद चेंज ऑफ स्टेट देखे, फिर हम लोग देखे लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन क्या है, कुछ एग्जाम्पल देख लिए हम लोग एक और है ना, उसके बाद फाइनली फिर एक एग्जाम्पल आपको होमवर्क में दिए जिसका आंसर भी हम आपको बता दिए हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपसे नहीं बनता है ये क्वेश्चन, या बन जाता है तो भी लिखना है कि हाँ मेरे से बन गया है, जिससे नहीं बनता वो लिखे नहीं बना मेरे से। तो लाइक जरूर करिए वीडियो को और शेयर करिएगा अपने फ्रेंडों के साथ। ये लेक्चर नंबर 4 था, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, क्लास 11, चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी का ठीक है। इसके बाद जो अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम आपको बता देते हैं, अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर के बारे में ठीक है। ये हो गया, देखिए थ्योरी ये पूरा कम्प्लीट है। हाँ हम मानते हैं कि अभी हम क्वेश्चन आपको नहीं कर रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन से आपका जेईई मेन क्लियर नहीं हो जाएगा एकदम गारंटी बोल रहे कि दो क्या 20 क्वेश्चन भी बना लीजिए तो जेईई मेन क्लियर नहीं होगा। वो क्लियर होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होने से, और कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता है जब आपका थ्योरी अच्छा हो, बिना थ्योरी के आपका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर रहेगा ही नहीं, तो हर क्वेश्चन में आप फंसिएगा। इसीलिए हम सारा थ्योरी पहले आपको करा दिए है, क्वेश्चन हम कराएंगे जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा थर्मल प्रॉपर्टी का मैटर। इसके अगला क्लास में हीट ट्रांसफर चालू होगा, तो अगला क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।